प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, तमाम व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, लेकिन इससे पूर्व की बात करें तो पूर्व में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार ने 2023 में कहा था कि राजस्थान अब चिकित्सा क्षेत्र में नंबर वन आ चुका है और यहाँ पर जयपुर प्रदेश की राजधानी जयपुर में तमाम जो देश के मरीज हैं वो यहाँ पे अपने इलाज कराने आते हैं। लेकिन 2024 में जैसे ही सत्ता बदली, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार के साथ साथ व्यवस्था भी बदल चुकी है। हाल फिलहाल हम खड़े हैं चांदपोल रोड स्थित एक एशियन अस्पताल के सामने, जहां पर एक महिला ने, एक माता ने, एक मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे पर उन्होंने राजनीति खेली और दमकर पैसा कमाया है, लूटा है। आरोप टीना सरिया है, जो कि मुरलीपुरा दादी का फाटक निवासी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से मीडिया को अवगत कराया है कि पिछले दिनों में जब उनका बेटा बीमार हुआ तो एशियन अस्पताल वालों ने 7 दिन तक डेड बॉडी को अपने वेंटिलेटर पर रखा और लाखों रुपए की ठगी करी। आरोप ये भी है कि पहले बच्चा 13 मार्च को ही मर चुका था, ब्रेन डेड होने की शिकायत पर वो यहाँ पे लेके आई थी। जिस ब्रेन डेड की शिकायत पर वो आई थी, तमाम बड़े बड़े अस्पताल जो थे राजस्थान के या प्रदेश के या जयपुर की सिटी की बात, राजधानी की बात करें तो वो सब मना कर दिया था उन्होंने कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विस्फोट हो सकता है। लेकिन बाद में एशियन अस्पताल के पास किसी ने सुझाव दिया तो पहुंची, उसके बाद में यहाँ पे पता लगा कि कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लाचार और बेबस है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ भर दी और ब्रेन डेड का इलाज करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वेंटिलेटर पे बच्चे को रखा और 13 मार्च को बच्चा मर गया था या मृत हो गया था, उसके बावजूद उन्होंने 7 दिन तक यानी 21 मार्च तक उनको लगातार वेंटिलेटर पे रखा। बाकायदा उन्होंने, डॉक्टरों ने अपनी कारगुजारी से अंगुलियां हिलती हुई दिखाई, जबकि वो बहुत पहले जा चुका था, इस दुनिया से दुनिया छोड़ चुका था। बावजूद इसके उन्होंने 12.5 लाख रुपए उस लाचार माँ से ऐंठ लिए। आरोप ये भी है कि 7.5 लाख का मात्र उनको बिल थमाया गया, पूछने पर धक्कामुक्की करने लगे, विरोध करने लगे और पुलिस FIR की धमकी देने लगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है बीजेपी सरकार में वो कहीं ना कहीं लचर होती नजर आ रही है। और शर्मनाक बात यह है कि जब कोई डेड बॉडी यहाँ पे आती है तो उस डेड बॉडी पर राजनीति करना, पैसे कमाने की नीयत से इलाज को लेकर भ्रमित करना परिजनों को, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये सामने देख सकते हैं, ये अस्पताल वो अस्पताल है जिस पर आरोप लगे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से आकर करूँगा, वो दिखाया कि एशियन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये है अस्पताल है जो चांदपोल रोड स्थित है। यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, सामने ही जनान अस्पताल का मुख्य द्वार भी है, कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन हालांकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं परिजन जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से। हालांकि ऐसा नहीं है कि परिजनों ने कार्रवाई नहीं की है, पुलिस या कार्रवाई करते हुए परिजनों ने संजय सर्किल थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। बाकायदा नाम दर्ज जो FIR है वो दर्ज कराई गई है। मैं बताना चाहूंगा कि जो नाम है चिकित्सकों के, वो नाम उन्होंने जो बताए हैं परिजनों ने हमें, उन नाम में SS रानावत रत्नावत है, जो कि हंसविक सरिया पुत्र प्रमोद सरिया निवासी मुरलीपुरा जो है उनके यहाँ से उन्होंने 12.5 लाख रुपए का जो चार्ज है वो वसूला है। 12.5 लाख रुपए देने के बाद ही इन्होंने डेड बॉडी को यहाँ से रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, अब CM की बात कर लें चाहे PM की बात करें, तमाम जो व्यवस्था है वो लतर होती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में पहुंचे थे तो उन्होंने भी चिकित्सा व्यवस्था को सराहा था जब गहलोत सरकार थी, लेकिन हाल फिलहाल भजनलाल की सरकार यहाँ पे बैठ चुकी है, सत्ता में काबिज है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है लचर होती नजर आ रही है। क्योंकि भजनलाल शर्मा को 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं सत्ता में बैठे हुए, मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए, लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर होती नजर आ रही। बात कर ले चाहे शिक्षा की, बात कर लें, बात कर ले आंदोलनों की, बात कर लें, बात कर ले युवाओं के रोजगार की, बात कर लें, बात कर ले महिला सुरक्षा की, बात कर लें, और बात सबसे बड़ी बात यहाँ पे चिकित्सा विभाग की बात कर लें, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये किस वाले निशान खड़ा करती है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो इस प्रकार को इसको व्यवस्था को देखेंगे। हालांकि परिजन जो है बच्चे के, सोनू और लड्डू उसको कहा जाता था, लड्डू का प्यार का नाम था, उनका घर का नाम था, जो बच्चा जा चुका है इस दुनिया से, वो माँ बेचारी बेबस होकर और लाचार होकर लास्ट में उसने मीडिया का सहारा लिया। लेकिन तमाम जो अस्पताल है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों SMS अस्पताल में भी ऐसी व्यवस्था और ऐसी एक लापरवाही सामने आई थी जिसमें गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से एक की मौत हो गई, एक युवक की मौत हो गई थी, उसका नाम सचिन था। उसी के बाद दूसरा केस ऐसा यहाँ पे आया है, कई सालों पहले भी यहाँ पे जयपुर में ऐसा कांड हो चुका है कि जहाँ पर एक निजी अस्पताल ने डेड बॉडी को कम से कम 10 से 12 दिन रखा और लाखों रुपए की वसूली की थी, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो कार्रवाई शायद कागजों में बंद होकर रह गई। हाल फिलहाल एशियन अस्पताल का मामला सामने आया है जिसकी कार्रवाई चल रही है, संजय सर्किल थाना क्षेत्र में उन्होंने FIR दर्ज कराई है थाने में। हाल फिलहाल तमाम जो चिकित्सक है वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, कैमरे कन्नी काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पोल है वो खुलने वाली है, इसलिए वो शायद कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से प्रशासन जो है
वो इस बात को गंभीरता से लेता है या फिर ऐसे ही लिपापोती करके कागजों में ये दफा दफा किया जाता है। सभी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।